हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू इकोसो स्टूडेंट्स टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर के इस टॉपिक में ऑलरेडी टैरिफ क्या होता है उसके टाइप्स एंड इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी दो वीडियो में देखे हुए हैं अगर वो दो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इम्पोर्ट कोटा क्या होता है Different types of import quota and effects of import quota with diagram. इसके साथ जो other non tariff barriers हैं वो भी हम लोग in detail study करने वाले हैं। so, तो topic अच्छे से समझने के लिए video end तक ज़रूर देखिए। Students देखते हैं non tariff barriers. Non tariff barriers उन्हें short form में कहा जाता है NTB. T B. Non tariff barriers are means of restricting imports through measures other than tariff. टैरिफ के अलावा इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यानी कि इम्पोर्ट्स कंट्रोल करने के लिए कम करने के लिए जो मेजर्स है वो सारे मेजर्स को कहा जाता है नॉन टैरिफ बैरियर्स अब टैरिफ तो ऑलरेडी आपको है तो टैरिफ के अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकते है? देखते एग्जाम्पल जैसे इम्पोर्ट कोटा होता है इम्पोर्ट लाइसेंसिंग प्रोडक्ट स्टैंडर्ड वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऐसे बहुत सारे एन होते हैं इसमें से कुछ एग्जाम्पल लिखे और बाकी सब हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे अभी जो एन टी पीज़ है ये आजकल अगर हम लोग देखते तो बहुत सारे कंट्रीज़ टैरिफ की जगह नॉन टैरिफ बैरियर्स वो इंक्रीजिंगली यूज़ कर रही है अब रीज़न क्या हो सकता है रीज़न एक ही है कि बहुत सारी कंट्रीज़ अभी वर्ल्ड में डब्ल्यू टी ओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नेशंस हैं और डब्ल्यू टी ओ ने अपने मेंबर नेशंस को कहा है कि टैरिफ जितनी हो सके उतनी क्या करनी है एक तो टैरिफ कम करनी है या फिर वो कंप्लीटली रिमूव करनी है तो ऐसे केसेस में अगर किसी भी कंट्री को इम्पोर्ट रिस्ट्रिक करना है तो टैरिफ तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डब्ल्यू के मेंबर है तो उनके लिए ऑप्शन रहता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी कि एन यूज़ करूँ अभी जो एन इनका भी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन एन टी पीज एन टी पीज़ दैट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द प्राइज ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स पहला टाइप क्या है कि ये एन टी पी जो है वो क्या करती है जो कमोडिटी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके प्राइस पे इम्पैक्ट करती है मतलब ये नॉन टैरिफ बैरियर उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज करेगी जिससे इम्पोर्ट कम हो देन दूसरा है एन टी बीज दैट इन्फ्लुएंस द क्वान्टिटी ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड अब यहाँ पे प्राइस पे इफेक्ट नहीं हो रहा है बट डायरेक्टली हम लोग जो क्वांटिटी इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर इफेक्ट होता है और इम्पोर्टेड क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्ट कोटा स्टूडेंट्स नॉन टैरिफ बैरियर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बैरियर होता है इम्पोर्ट कोटा तो अब देखते हैं इम्पोर्ट कोटा क्या होता है इम्पोर्ट कोटाज आर द मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज दैट आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या करते है कि किसी भी कमोडिटी की जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटिटी हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं कितना अलाउड है इम्पोर्ट करना वो क्वांटिटी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है और उसी क्वांटिटी को कहते हैं इम्पोर्ट कोटा जैसे कि अगर किसी कमोडिटी की हमें ज़रूरत है वन लाख यूनिट की मतलब हमें उस कमोडिटी के वन लाख यूनिट हम लोग इम्पोर्ट करते तो गवर्नमेंट को लगता है कि रे वन लाख यूनिट बहुत ज़्यादा हो गए इसके लिए हमें फॉरेन करेंसी भी उतनी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट तो ने डिसाइड किया कि हम वन लाख इंपोर्ट नहीं कर सकते इसके बदले आपको सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड यूनिट से क्या करने हैं इंपोर्ट करने और जो बाकी फोर्टी थाउजेंड है वो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने देखो सिक्सटी थाउजेंड इम्पोर्ट एंड बाकी फोर्टी थाउजेंड क्या करना है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया मतलब तो जो इंपोर्ट की क्वांटिटी यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किए सिक्सटी थाउजेंड इसे ही हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट कोटा ये हमेशा गवर्नमेंट फिक्स करती है अब इसका फायदा क्या होता है देखते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि एक बार इम्पोर्ट के ऊपर लिमिटेशन लग गया तो रिमेनिंग जो है फोर्टी थाउजेंड वो तो हमें अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें जरूरत है इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम भी बढ़ेगी अब देखते हैं इससे क्या होता है दे लिमिट द वॉल्यूम और मनी वैल्यू ऑफ गुड्स दैट अ कंट्री कैन इम्पोर्ट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड पे पर्टिकुलर पीरियड मतलब हमेशा इकोनॉमिक ईयर रहता है तो एक साल में जो कोटा है वो क्या करता है एक तो गुड्स की वॉल्यूम कम करता है वॉल्यूम यानी कि जैसे हमने देखा कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो गया वॉल्यूम ओके या फिर मनी वैल्यू अब क्वांटिटी अगर कम होगी तो उतनी मनी वैल्यू भी उस गुड्स की क्या होगी कम होगी जैसे कि पहले हम लोग एक लाख कमोडिटी के लिए पैसे पे कर रहे थे अब हम लोग सिक्सटी थाउजेंड कमोडिटीज़ के लिए पैसे पे करेंगे यानी कि मनी वैल्यू भी क्या होगी लिमिटेड होगी कम होगी देन थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें दे आर इम्पोर्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होगा बढ़ेगा क्योंकि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट दैन टैरिफ मतलब अगर हम लोग टैरिफ से कंपैरिजन करते हैं तो कोटा ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली क्वांटिटी डिसाइड किए टैरिफ का क्या होता है यहाँ पे देखते हैं अगर कोटा डिसाइड करती है ना गवर्नमेंट तो कोटा से क्या होता है उस कमोडिटी की क्वांटिटी इम्पोर्टेड डायरेक्टली अफेक्ट होती है डायरेक्टली हमारी इम्पोर्ट्स कम होती है ऑन दी जब गवर्नमेंट टैरिफ चार्ज करती है ना तो टैरिफ की वजह से पहले प्राइस इंक्रीज होगी और प्राइस इंक्रीज होने के बाद जो क्वांटिटी हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो डिक्रीज होगी मतलब कोटा डायरेक्ट अफेक्ट करता है इंपोर्ट पर और टैरिफ इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है और इसीलिए कोटा हमेशा ज्यादा बेनिफिशियल होता है टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट आई होप यहाँ तक समझा होगा अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट कोटाज देर आर टोटल फाइव टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा उसमें से फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे लिखा है एंड बाकी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे फर्स्ट टाइप है टैरिफ कोटाज कोटा का नाम भी देखो क्या है टैरिफ क्योंकि ये कोटा टैरिफ क्या होना चाहिए कमोडिटी के ऊपर वो डिसाइड करता है फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ ए कमोडिटी अप टू कोटा लिमिट देर इज नो टैरिफ और लो टैरिफ अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतना इतना कोटा है जैसे कि इस केस में हमने देखा कि कोटा लिमिट क्या है सिक्सटी थाउजेंड यूनिट इम्पोर्ट करने का कोटा है तो फॉर दिस सिक्सटी थाउजेंड यूनिट गवर्नमेंट क्या करेगी एक तो टैरिफ चार्ज ही नहीं करेगी या फिर लो यानी कि कम टैरिफ चार्ज करेगी ऑन द अदर हैंड इम्पोर्ट इन एक्सेस ऑफ द कोटा लिमिट अगर कोटा लिमिट से ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्टर्स देन हाई टैरिफ रेट अगर ने सिक्स्टी ज़्यादा अगर इम्पोर्ट है जो व्यादा थाउजेंड से ज्यादा है वो ऊपर सारी सारे के लिए हाई टैरिफ रेट गवर्नमेंट चार्ज करती है अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिलैटरल कोटाज़ सेकंड टाइप ऑफ कोटा है यूनिलैटरल कोटाज़ इट इज अ कोटा इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट ऑफ अ कमोडिटी विदाउट प्रायर निगोशिएशन विद द कन्सर्न एक्सपोर्टिंग कंट्री यहाँ पे दो कंट्रीज याद रखनी है इम्पोर्टिंग कंट्री और दूसरी कंट्री होगी एक्सपोर्टिंग कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री की जो एक्सपोर्ट है वही फर्स्ट कंट्री की इम्पोर्ट है तो जब भी कंट्री इंपोर्ट करती है तो इस कंट्री के इम्पोर्ट के ऊपर कोटा लगाया जाता है कोई भी दोनों कंट्रीज में नेगोशिएशन नहीं होते ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है जब नेगोशिएशन नहीं होता है दो कंट्री में एंड इम्पोर्टिंग कंट्री इम्पोर्ट के ऊपर कोटा लगाती है तो उसे कहते हैं यूनिलेटरल कोटा मतलब वन साइडेड कोटा चार्ज किया जाता है देन इस कोटा के भी यूनिलेटरल कोटा के दो टाइप है पहला है उसमें ग्लोबल यूनिलेटरल कोटा द कमोडिटी में बी इम्पोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री अप टू द फुल अमाउंट ऑफ द कोटा लिमिट जैसे हम लोग ने प्रीवियसली देखा कि कोटा लिमिट था सिक्सटी थाउजेंड यूनिट तो ग्लोबल यूनिलैटरल कोटा में क्या होता है पूरे के पूरे सिक्सटी थाउजेंड यूनिट किसी एक ही कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं मतलब पूरा का पूरा कोटा लिमिट जो है एक ही कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बाकी कोई भी कंट्री इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है और इसीलिए इसे कहा जाता है ग्लोबल यूनिलैटरल कोटा इसके अगेंस्ट दूसरा है एलोकेटेड यूनिलैट्रल कोटा द टोटल कोटा लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्पेसिफाइड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ दूसरे में क्या हो रहा है ये सिक्सटी थाउजेंड कोटा लिमिट तो सेम है लेकिन जो कुछ स्पेसिफाइड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन कंट्रीज़ में यह सिक्सटी थाउजेंड यूनिट डिवाइड करके दिए जाएंगे मतलब अगर तीन चार कंट्रीज है सपोज तो हर एक कंट्री से कितना इम्पोर्ट करना है वो यहाँ पर डिसाइड होता है तो इसे कहते हैं एलोकेटेड यूनिलाट्रल कोटा अब आता है थर्ड टाइप ऑफ़ द कोटा बायोलैट्रल कोटा देखो डिफरेंस क्या है यूनिलैट्रल में कोई भी नेगोशिएशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बायोलैट्रल में क्या होता जो country है जो कंट्री है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो इम्पोर्टिंग कंट्री है दोनों मिलकर डिसाइड करती है कि कोटा लिमिट क्या होगा वो नेगोशिएशन करती है एक दूसरे से और इसीलिए कहते हैं बायोलेट्रल कोटाज दिस कोटाज आर फिक्स्ड थ्रू नेगोशिएशंस बिटवीन द इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नेगोशिएशन होते हैं यहाँ पे डिसाइडेड थ्रू म्यूचुअल कंसेंट एंड विल नॉट फेस रिटेलिएशन म्यूचुअल कंसेंट एक दूसरे से बात करके उन्होंने डिसाइड किया है कि कोटा चार्ज करना है तो इसलिए रिटेलिएशन नहीं होता रिटेलिएशन मतलब हम लोग बोलते हैं ना आप कभी कभी एग्जाम में होता है कि आपके फ्रेंड ने आपको कोई आंसर नहीं दिखाया एग्जाम के टाइम तो आप भी इन रिटर्न उसे अपना कोई आंसर नहीं दिखाते हो या फिर किसी ने आपको नोट्स नहीं दिए तो आप अपने नोट्स उसे नहीं देते हो सेम वे इसे कहते हैं रिटेलिएशन तो सेम वे यहाँ पे क्या होता है कि बायोलेटल कोटा दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो रिटेलिएशन नहीं होगा लेकिन यूनिलैटरल में दोनों में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है और इम्पोर्टिंग कंट्री ने क्या किया कोटा चार्ज किया है तो उसके अगेंस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या करेगी रिटेलिएशन करेगी वो भी इम्पोर्टिंग कंट्री के ऊपर कोटा चार्ज कर सकती है तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कोटा नेक्स्ट टाइप है मिक्सिंग कोटाज इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर प्रोड्यूसर्स टू यूज सर्टन प्रपोर्शन ऑफ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स अलॉन्ग विथ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली सिंपल अगर कोई भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है मतलब अपनी कंट्री का जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल क्या कर रहा है इम्पोर्ट कर रहा है अब देखो रॉ मटेरियल भी जितना ज़्यादा इम्पोर्ट करेगा उतना हमारे लिए अच्छा नहीं उतना ज़्यादा फॉरन करेंसी यूज़ करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर को क्या बोलती है तो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करता है ना तो तू तो इम्पोर्ट कर कोई प्रॉब्लम नहीं है पर तुम्हें क्या करना है जितना रॉ मटेरियल जितना तू तो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से कुछ प्रोपोर्शन रॉ मटेरियल तुम्हें कौन सा यूज़ करना है डोमेस्टिक मतलब कुछ रॉ मटेरियल तुम्हें जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस होता है वो यूज़ करना है एंड बाकी रॉ मटेरियल तुम इम्पोर्ट कर सकते हो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है तो ऐसे दोनों रॉ मटेरियल मतलब डोमेस्टिक एंड इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करके वो क्या कर सकता है वो फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है देखो डायरेक्टली लिमिट द यूज़ ऑफ़ फॉरेन रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल इम्पोर्ट अगर कम करेंगे रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है फॉरन रिसोर्स है तो ऑब्वियसली फॉरिन रिसोर्सेज का यूज़ कम होगा एंड डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज़ बढ़ेगा बेनिफिट क्या है कि डोमेस्टिकली भी एम्प्लॉयमेंट इनकम बढ़ेगी हम लोग फॉरेन करेंसी भी सेव कर सकते हैं देन फिफ्थ टाइप है इम्पोर्ट लाइसेंसिंग अब अगर कोटा इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा लाइसेंस देना पड़ेगा जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सिक्सटी थाउजेंड यूनिट से क्या करने हैं इम्पोर्ट करने कोटा लिमिट है तो ये लिमिट इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है इम्पोर्टर्स को उसे ही कहते हैं इम्पोर्ट लाइसेंसिंग अंडर दिस सिस्टम इम्पोर्टर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज अभी लाइसेंस तो उनमें उन्हें चाहिए कि कितना इम्पोर्ट करना है उसके लिए तो ये लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू इट इज यूज टू एडमिनिस्टर एंड इम्प्लीमेंट इम्पोर्ट कोटा इम्पोर्ट कोटा अगर इम्प्लीमेंट करना है एडमिनिस्टर करना है कि वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे ज्यादा तो इम्पोर्ट नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए इम्पोर्ट लाइसेंसिंग इंपोर्टेंट है लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है सबसे पहला है करप्शन अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको लाइसेंस लेना है तो आपको पता है कि करप्शन कितना कॉमन बात है आप सिंपली देखो अगर कोई नॉर्मल रूल भी ब्रेक करता है तो बहुत बार वो लोग पैसे देके अपना काम करवा के लेते हैं राइट तो करप्शन बहुत कॉमन हो चुका है तो इसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इम्पोर्टर्स क्या करेंगे करप्शन करके इम्पोर्ट लाइसेंस ऑप्टेन कर सकते हैं दूसरा प्रॉब्लम आता है मोनोपोली जिन इंपोर्टर्स को लाइसेंस मिलेगा उनकी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है देन इससे शॉर्टेज भी हो सकता है क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने तो लिमिट किया कि इंपोर्ट इतना ही करो अगर बाकी फोर्टी थाउजेंड हम लोग अपनी कंट्री में प्रोड्यूस ना कर पाए तो क्या होगा कमोडिटी का शॉर्टेज क्रिएट होगा शॉर्टेज क्रिएट होगा यानी कि सप्लाई रिड्यूस होगा और अगर सप्लाई कम होता है तो प्राइज इंक्रीज होगी तो ये थे इसके ड्रॉबैक्स अब यहाँ तक हमारे टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा कम्प्लीट हो चुके हैं आई होप आपको ये सारे टाइप्स अच्छे से समझे होंगे अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट कोटा यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे हमारी जो कंट्री है कंट्री ए है जो इम्पोर्ट कोटा इम्प्लीमेंट कर रही है और कमोडिटी एक्स वो इम्पोर्ट कर रही है तो so, इफेक्ट क्या होगा देखते हैं और वो देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड से पहले मतलब इंपोर्ट uh, करने से पहले कंट्री ए की डोमेस्टिक सिचुएशन क्या थी देखो इक्विलिब्रियम प्रायर टू इंटरनेशनल ट्रेड इज एट पॉइंट ई मतलब कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड से पहले जो इक्विलिब्रियम था वो कहाँ पे था एट पॉइंट ई अब देखते डायग्राम में इस डायग्राम में एस एस उस कंट्री का सप्लाई कर डी डी डिमांड कर वे. बोथर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई तो ई e क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड अब ई e पॉइंट में उस कंट्री में जो प्राइज लेवल थी वो थी ओ एम देखो ई e से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वाई एक्सिस पे कंट्री की इंटरनल प्राइज लेवल थी ओ एम एंड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी क्या है ओ एन तो यहाँ पे आउटपुट यानी कि क्वांटिटी ओ एन प्राइज ओ एम ये ट्रेड से पहले की सिचुएशन अब क्या होता है देखो कि कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है वो कमोडिटी एक सब इम्पोर्ट करना स्टार्ट करती है तो आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल प्राइस लाइन इज़ पी देखो इंटरनेशनल ट्रेड जब भी होता है और हम लोग कोई कमोडिटी इम्पोर्ट करते तो कब इम्पोर्ट करेंगे अगर प्राइस कम है तो ही हम लोग इम्पोर्ट करेंगे और इसीलिए इंटरनेशनल प्राइज लाइन यहाँ पे पी बी पी जब इंटरनेशनल प्राइज लाइन है तो इस लाइन पर हम देखते सप्लाई क्या है लाइन सप्लाई को यहाँ पे ए पॉइंट में इंटरसेक करके जा रही है तो ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हमने X पे, यहाँ पे हमें पॉइंट मिला एस तो एस क्या है कंट्री का सप्लाई है हम लोग एस नहीं देते ऑलरेडी यहाँ पे यूज किया है तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टी तो ओ टी क्या है देखो कंट्री का सप्लाई है आफ्टर इम्पोर्टिंग मतलब जब कंट्री इंपोर्ट करेगी तो उनका डोमेस्टिक सप्लाई कितना है ओ टी तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओ टी अब देखते हैं इंटरनेशनल प्राइस लाइन पी बी पे उनका डिमांड क्या है ये पी बी लाइन बी पॉइंट में डिमांड कर्व को टच कर रही है तो बी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमें क्वांटिटी मिली यू क्वांटिटी कितनी देखो ओ यू यहाँ पे लिखते हैं डिमांड कितनी है क्वांटिटी ओ यू अब देखो सप्लाई उनका इतना ही है ओ टी इतना ही डोमेस्टिक सप्लाई है जाके डिमांड ओ यू तक इतनी ज़्यादा है तो अगर इतनी ज़्यादा डिमांड है इतना सा कंट्री खुद प्रोड्यूस कर रही है खुद सप्लाई कर रही है तो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है टी यू इतना सारा पोर्शन कंट्री क्या करेगी इम्पोर्ट करेगी तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं इम्पोर्ट कितना होगा टी यू अब इस सिचुएशन में आप लोग देख सकते हो कि इतनी ज्यादा इम्पोर्टेड टी यू इतनी ज्यादा इम्पोर्ट है तो किसी भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि इम्पोर्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया इम्पोर्ट कोटा बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कोटा लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को इस लाइन पे पी बी लाइन पे एक आर्बिटरी ऐसे एस, पॉइंट लेना है जी पॉइंट और जी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे नीचे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है V तो ये हो गया टी वी आपका इम्पोर्ट कोटा टी वी क्या है इम्पोर्ट कोटा अब जब इंपोर्ट कोटा लगाया है तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका प्राइस इफेक्ट क्या होगा प्राइस इफेक्ट में सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्वांटिटी डिसाइड कर रही है कोटा डिसाइड कर रही है मतलब कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करना है वो डिसाइड कर रही है अगर क्वांटिटी डिसाइड हो रही है इसका मतलब सप्लाई डिसाइड हो रहा है सप्लाई कर यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा तो जो नया सप्लाई कर वे वो जी पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड हम लोग ऐसे नया सप्लाई कर ड्रॉ करेंगे एस टू अब न्यू सप्लाई कर कहाँ से देखो ए पॉइंट से आएगा ए जी एंड ऊपर एस टू तक हमारा न्यू सप्लाई कर वे अब ये न्यू सप्लाई कर हमारे पुराने डिमांड कर्व को ई वन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ई वन पॉइंट में देखो अब ई वन पॉइंट में फिर से क्वांटिटी चेंज होगी क्वांटिटी अभी हो गई एक्स और एक्स अभी न्यू क्वांटिटी है एंड न्यू प्राइस हमारी चेंज होगी यहाँ पे ओ OH। एच देखो फिर से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्वांटिटी क्या है ओ एक्स प्राइस है ओ OH. एच तो यहाँ पे मेंशन करते हैं पोस्ट कोटा सप्लाई कर्व ए जी एस टू देखो ए जी एस टू सप्लाई कर हैं ए जी एस टू इंटरसेक्स डिमांड कर्व एट पॉइंट ई वन ये डिमांड कर्व को ई वन पॉइंट में इंटरसेक कर रहा है अब ई वन पॉइंट में नया प्राइस क्या है ओ एच क्वांटिटी चेंज हुई लेकिन वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम लोग सिर्फ प्राइस इफेक्ट देख रहे हैं न्यू प्राइस क्या है ओ OH. एच न्यू प्राइस अगर ओ एच है पुराना प्राइस क्या था ओ पी देखो कोटा लगाने की वजह से प्राइस OP से ओ एच तक इंक्रीज हुआ है आई रिपीट प्राइस ओ पी था पहले OP से ओ एच तक कोटा की वजह से प्राइस इंक्रीज हुआ है तो टोटल तो तो इंक्रीज कितना है प्राइस में पी टू एच सो पी एच प्राइस में इंक्रीज है तो इसे हम लोग कहते हैं प्राइस इफेक्ट ऑफ इम्पोर्ट कोटा आई होप आपको प्राइस इफेक्ट समझा होगा अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट इफेक्ट इज प्रोडक्शन इफेक्ट अब आप लोग देख सकते हैं कि जो न्यू इक्विलीबियम पॉइंट है ईवन इस पॉइंट में टोटल प्रोडक्शन कितना दिखा रहा है ये ओ एक्स टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल सप्लाई ये दिखा रहा है ओ एक्स इस टोटल सप्लाई में से ओ टी जो अमाउंट है वो कंट्री पहले से प्रोड्यूस कर रही थी जो टी वी अमाउंट है ये था इम्पोर्ट कोटा बाय द गवर्नमेंट एंड फिर ये जो रिमेनिंग पार्ट है वी एक्स ये प्रोडक्शन कंट्री में इंक्रीज हुआ है आई रिपीट कि देखो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन है ई वन पॉइंट पे टोटल आउटपुट कितना हो रहा है ओ एक्स यानी कि टोटल सप्लाई है ओ एक्स ओ एक्स में से ओ टी कंट्री पहले से प्रोड्यूस कर रही थी टी वी अमाउंट है जो हमने ऑलरेडी देखा कि गवर्नमेंट ने कोटा इम्पोज किया है और फिर ये जो एडिशनल अमाउंट है वी एक्स ये क्या है तो प्रोडक्शन कंट्री में इंक्रीज हुआ है तो इसीलिए एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट वी कैन सी प्रोडक्शन हैव इंक्रीज एंड प्रोडक्शन इफेक्ट इज VX, मतलब इतना अमाउंट कंट्री ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है डोमेस्टिकली तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन इफेक्ट देन नेक्स्ट इफेक्ट है कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट अब कंजम्पशन एंड वेलफेयर पे पे निगेटिव इंपैक्ट हुआ है क्यों निगेटिव इंपैक्ट हुआ है ये हम लोग देख सकते हैं देखो जब प्राइस ओपी थी तो इस प्राइस पे कंट्री में डिमांड कितनी थी ओ यू डिमांड थी जब प्राइस ओपी से ओ एच तक आ गई और ई e वन में न्यू इक्विलिब्रियम आया तो डिमांड चेंज हो गई देखो यहाँ पे डिमांड कर पे डिमांड ओ यू से ओ एक्स तक डिक्रीज हो चुकी है आई रिपीट डिमांड ओ यू से ओ एक्स तक डिक्रीज हो चुकी है तो ये एक्स यू जो पोर्शन है वो क्या है कि डोमेस्टिक डिमांड रिड्यूस हुई है डिमांड रिड्यूस हुई है यानी कि लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो लोगों का वेलफेयर भी कम हो रहा है तो इसलिए ये वेलफेयर इफेक्ट वो क्या है देखो डोमेस्टिक कंजम्पशन रिड्यूज फ्रॉम टू ओ एक्स डोमेस्टिक कंजम्पन ओ यू से ओ एक्स तक क्या हो गया है कम हो गया है तो ये है कंजम्पशन एंड वेलफेयर इफेक्ट अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नाउ विल सी रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ कोटा तो सबसे पहले देखते हैं इससे इसमें क्या हुआ था हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा था कि देर इज अ रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड वेलफेयर डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है जिससे कंजम्पन एंड वेलफेयर भी कम हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स लॉस ऑफ वेलफेयर गोज़ टू प्रोड्यूसर्स वर्कर्स एंड इम्पोर्टर्स अभी जो कंज्यूमर्स का वेलफेयर यहाँ पे कम हुआ है जो कंज्यूमर का वेलफेयर है वो जनरली हम लोग सी एस यानी कि कंज्यूमर सरप्लस से शो करते हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस भी कम हुआ है कंज्यूमर सरप्लस जब प्राइस ओ पी थी तब कंज्यूमर सरप्लस क्या था देखो एरिया बिटवीन ये प्राइज लाइन एंड ये डिमांड कर मतलब ये पी बी डी इतना पूरा बड़ा वाला ट्रँगल क्या था ये कंज्यूमर सरप्लस था जब प्राइस इनक्रीज हो गई एच तक अब देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या है ये क्याच ई वन प्राइज ये डिमांड कर मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल है ये अब कंज्यूमर सरप्लस हो गया मतलब ये जो बीच वाला एरिया है पी एच ई वन बी इतना ये सारा जो एरिया है ये कंज्यूमर्स को अभी नहीं मिल रहा है बल्कि ये एरिया किसे मिल रहा है ये मिल रहा है प्रोड्यूसर्स को वर्कर्स को एंड इम्पोर्टर्स को तो इसीलिए कहा है कि रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो पार्ट ऑफ वेलफेयर जो कंज्यूमर्स का यहाँ पे कम हुआ वो किसे मिला वो प्रोड्यूसर्स को मिला वर्कर्स को मिला एंड इम्पोर्टर्स को मिला और इसीलिए इसे क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ कोटा आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट ऑफ ए कोटा लास्ट इफेक्ट है इम्पुट कोटा का टर्म्स ऑफ ट्रेड इफेक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल डिमांड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वो वीडियो आप पहले ज़रूर देख लेना अब देखते हैं यहाँ पे इन शॉर्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या शो करता है इट डिटरमाइंस द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री इसका मतलब क्या कि, कि कुछ यूनिट अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस इंपोर्टेड यूनिट्स के बदले में कितने यूनिट हम लोग दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे अगर हम लोग दस यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बदले में पंद्रह यूनिट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि दस यूनिट देखे उसके बदले में हमें पंद्रह मिल रहे हैं तो इस वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा जाता है तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड जब हम लोग डायग्राम में शो करते हैं तो उसके लिए ऑफर कर्व का यूज़ किया जाता है इट कैन बी डिपिक्टेड बाय ऑफर कर्व्स अभी देखते हैं कंट्री एज इज इम्पोर्टर एंड कंट्री बी इज एक्सपोर्टर इस पूरे एनालिसिस में हमने अज्यूम किया कि कंट्री ए इम्पोर्टर है वो कमोडिटी इम्पोर्ट कर रही है कंट्री बी क्या है एक्सपोर्टर है कंट्री ए कमोडिटी वाई इम्पोर्ट कर रही है ओके okay? इतना याद रखना है कंट्री ए कमोडिटी वाई इम्पोर्ट कर रही है अब देखते हैं कंट्री ए का ऑफर कर्व क्या है ओ यहाँ पे हमारा ओरिजिन है ओ ओ ए कंट्री ए का ऑफर कर्व है यहाँ पे भी मेंशन करते हैं एंड देन कंट्री बीज ऑफर कर्व इज ओ बी तो यहाँ पे है ओ एंड यहाँ पे है बी तो यहाँ पे भी लिख देते हैं कंट्री बी ये दोनों ऑफर कर्व एक दूसरे को ई पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो ई पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे उनका इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है मतलब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो लाइन है ओ टी वो डिसाइड करते हैं कि कंट्री को एक्स के कितने यूनिट के बदले में वाई के कितने यूनिट मिलेंगे देखो इक्विलिब्रियम एट ई लाइन ओ टी गिवस टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इन द एबसेंस ऑफ कोटा मतलब अब तो क्या पे कोटा डिसाइड नहीं हुआ है और उसके पहले उनके बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा ये ई पॉइंट पे डिसाइड होता है हम लोग एक रफ लाइन से देखते हैं जैसे देखो यहाँ पे है ओ वाई एंड यहाँ पे है ओ एक्स मतलब कंट्री ए अगर वाई कमोडिटी इंपोर्ट कर रही है तो OY यूनिट्स वो इंपोर्ट करेगी और उसके बदले में उसे ओ एक्स सामने वाली कंट्री को देने हैं तो ये हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ कोटा टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे चेंज हो गए यहाँ पे देखते हैं कंट्री ने इम्पोर्ट कोटा क्या डिसाइड किया है इम्पोर्ट कोटा इज इक्वल्स टू ओ पी यूनिट्स ऑफ वाई जिसे हमने ऑलरेडी देखा कंट्री ए कमोडिटी वाई इम्पोर्ट कर रही है तो कमोडिटी वाई वाई एक्सेस पे शो किए और कमोडिटी वाई का इम्पोर्ट कोटा क्या है ओ पी मतलब इतने ही कमोडिटी वो क्या करने वाले हैं इम्पोर्ट करने वाले हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगी एट पॉइंट एम या फिर हो सकती है एट पॉइंट डी या फिर एनी पॉइंट बिटवीन एम एंड डी जब पी इंपोर्ट कोटा है तो पी से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की यहाँ पे जो कि दूसरे साइड डी पॉइंट तक जा रही है इस ऑफर कर्व को एक ऑफर कर्व को डी पॉइंट में टच कर रही है तो ये पूरा पोर्शन इसमें से देखो दोनों ऑफर कर्व के बीच में ये दो ये जो पोर्शन है एम डी एंड इनके बीच वाला पोर्शन मतलब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड एम भी हो सकती है डी भी हो सकती है या फिर एम एंड डी के बीच में कोई भी पॉइंट पे इन दोनों कंट्री के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल हो सकती है ये डिपेंड होता है कि अगर कंट्री इम्पोर्टर मोनोपोलिस्ट है या फिर एक्सपोर्टर मोनोपोलिस्ट है तो ये दोनों कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे एक कंट्री मोनोपोली इंपोर्टर है अगर ये मोनोपोली इम्पोर्टर है मतलब वो अकेली कंट्री जो इम्पोर्ट कर रही है कमोडिटी तो ऐसे सिचुएशन में टर्म्स ऑफ ट्रेड एम पॉइंट पे डिसाइड होगी अब एम पॉइंट पे क्यू डिसाइड होगी क्योंकि आप देख सकते हो कि ओ पी कमोडिटी के लिए ओ पी कमोडिटी के इम्पोर्ट के लिए कंट्री ए बी कंट्री को कितना एक्सपोर्ट करेगी पी एम मतलब पी एम सबसे कम अमाउंट है जो कंट्री ए बी को एक्सपोर्ट करेगी और ये सबसे कम अमाउंट हमें एम पॉइंट पे शो हो रही है और इसीलिए एम पॉइंट क्या हो सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड हो सकता है और वहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन आ जाएगी हमारी ओ एम ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन आ जाएगी देन यहाँ पे देखो ए विल ओ पी ऑफ वाई फॉर पी एम एक्सपोर्ट ऑफ एक्स वो क्या कर रही है ओ पी ऑफ वाई ओपीआई कर रही है और उसके बदले में एक्स के पी एम यूनिट्स वो क्या कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है अभी विदाउट कोटा क्या सिचुएशन थी वो देखते हैं विदाउट कोटा इम्पोर्ट पी ऑफ वाई फॉर पी एन ऑफ एक्स जब कोटा नहीं था तो ओ पी वाई की इम्पोर्ट करने के लिए उन्हें एक्स के पीएन यूनिट देने पड़ रहे थे क्योंकि ये एन पॉइंट इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है मतलब जो विदाउट कोटा वाली प्राइस लाइन है वहां पे आ रहा है तो पीएन देकर उन्हें ओ पी मिल रहा था अब उनको क्या हो रहा है कम यूनिट्स दे के पीएम इतने कम यूनिट्स एक्सपोर्ट करके उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है ओ पी मिल रहा है इसीलिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री के लिए फेवरेबल है अब सेकेंड सिचुएशन देखते हैं इफ़ बी इज़ अ मोनोपोली एक्सपोर्टर यहाँ पे कंट्री ए मोनोपोली नहीं है कंट्री बी मोनोपोली एक्सपोर्टर है मतलब दुनिया में कंट्री बी एक अकेली ऐसी कंट्री है कि जो कमोडिटी वाई एक्सपोर्ट कर रही है अब इसकी मोनोपोली तो ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ ट्रेड बी के लिए फेवरेबल ही होगी ऐसे सिचुएशन में देखते एक की कंडीशन क्या होगी ए विल हैव टू एक्सपोर्ट एन एडिशनल क्वांटिटी एन डी ऑफ एक्स फॉर इम्पोर्टिंग ओ पी ऑफ वाई देखो वाई के ओ पी यूनिट्स इम्पोर्ट करने के लिए अभी एक कंट्री को एक्स के पूरे के पूरे पी डी यूनिट देने देखो प्रीवियसली वो कितने दे रही थी बिफोर कोटा पी एन यूनिट्स दे रही थी आफ्टर कोटा अगर कंट्री बी मोनोपोली है तो उन्हें एक्स के पी डी यूनिट देने और पी डी के बदले में ओ पी मिल रहा है मतलब इतने ज़्यादा एक्स के यूनिट देने के बाद उन्हें उतना ही ओपी मिल रहा है पहले जितना मतलब यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल रहेगा टी ओ टी विल बी एट डी टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ पे रहेगा डी पॉइंट पे क्योंकि डी पॉइंट पे एक्स के सबसे ज़्यादा यूनिट एक्सपोर्ट हो रहे हैं कंट्री बी को कंट्री बी के लिए फेवरेबल है टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन विल बी ओ डी ओ डी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है एंड इट इज फेवरेबल टू कंट्री बी अब यहाँ पे थर्ड सिचुएशन है अगर ऐसा हो सकता है तो मतलब पॉसिबिलिटी कम है फिर भी अगर ए मोनोपोली इम्पोर्टर है एंड बी मोनोपोली एक्सपोर्टर है मतलब दोनों की अपनी अपनी जगह पे मोनोपोली है ऐसे सिचुएशन में टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका जो है वो यहाँ पे एन पॉइंट में ही सेटल होगा मतलब बिफोर कोटा जो सिचुएशन थी क्या एन पॉइंट पे टर्म्स ऑफ ट्रेड थी तो वही सिचुएशन आफ्टर कोटा भी फिक्स रहेगी एंड दोनों भी कंट्री को टर्म्स ऑफ ट्रेड ना फेवरेबल होगी ना ही अनफेवरेबल होगी यहाँ पर हमारे इफेक्ट्स ऑफ कोटा कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स नो विल लर्न अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स में सबसे पहला था इंपोर्ट कोटा जो हमने ऑलरेडी देखा है अब नेक्स्ट है डोमेस्टिक सब्सिडीज अगर आपको एग्जाम में अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स पूछे जाते हैं तो इम्पोर्ट कोटा आपको सिर्फ एक पैसेज में लिखना है पूरा इन डिटेल नहीं लिखना है और ये बाकी उसमें ऐड करने हैं और अगर सिर्फ इनपुट कोटा पे सेपरेट क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आपको पूरा इन डिटेल लिखना पड़ेगा तो अब देखते पहला वाला इसमें डोमेस्टिक सब्सिडीज सब्सिडी क्या होती है एक तो गवर्नमेंट कैश हेल्प देता है प्रोड्यूसर को जिसकी वजह से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और प्राइस भी कम कर सकते हैं देखते हैं डोमेस्टिक सब्सिडीज आर डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन ऑर्डर टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन गवर्नमेंट क्या कर रहा है जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको डायरेक्ट पेमेंट दे रहा है डायरेक्ट कैश अमाउंट पे कर रहा है क्यों क्योंकि वो कैश अमाउंट मिलने के बाद जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और उनका टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा अब ये कैश पेमेंट कैसे दिया जाता है एक तो डायरेक्टली कैश पेमेंट होता है इसका फॉर्म या फिर गवर्नमेंट उनको जो लोन देती है उसके ऊपर लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करती या फिर उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती ये भी उनके लिए बेनिफिशियल है या फिर उनको टैक्स में कंसेशन दिया जाता है या फिर कंप्लीटली एग्जेप्शन दिया जाता है कि टैक्स से चार्ज नहीं किया जाता तो so, इस तरह से गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो प्राइस है डोमेस्टिक गुड्स की वो प्राइस रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि उनको ऑलरेडी कैश मिल रही तो कैश का यूज़ करके वो क्या करेंगे प्राइस कम करेंगे अगर प्राइस कम करेंगे तो ऐसे वक्त वो प्रोड्यूसर्स जो फॉरेन गुड्स हैं उनसे अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं कम्पीट कर सकते हैं क्योंकि फॉरेन गुड्स की प्राइस कम है इनकी प्राइस ज़्यादा थी लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से डोमेस्टिक प्राइजेस भी कम हो चुकी है तो उनमें एक बराबर इक्वल लेवल का कंपटीशन होगा इट विल हेल्प टू इंक्रीज एक्सपोर्ट अब इसका इतना ही फायदा नहीं है कि हम कंपीट कर सकें फॉरन गुड्स से इसका और एक फायदा है कि अगर हमारे प्रोडक्शन के प्राइस कम है तो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इनक्रीज होगी तो फॉरेन करेंसी मिलेगी हाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम है अगर हम लोग किसी भी अपने कमोडिटी के लिए अगर सब्सिडी दे रहे हैं तो सामने वाली कंट्री क्या करेगी वो उस कमोडिटी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी जैसे हमने सब्सिडी दी तो प्राइस कम हो गई प्राइस कम हो गई तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी हमारे एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री की क्या है इम्पोर्ट है हम भले ही एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरी कंट्री थोड़ी चाहेगी कि उनके इम्पोर्ट बढ़े तो वो अपनी इम्पोर्ट कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर टैरिफ चार्ज करेगी उसे हम लोग कहते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटीज ओके देन नेक्स्ट टाइप है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट वी ई आरस यहाँ पे एक्सपोर्ट कम करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं अब ऐसा क्यों हो सकता है ये भी क्वेश्चन है राइट right? वो देखते हैं क्यों ये क्या होता है सबसे पहले देखते हैं दिज आर बायोलेटल एग्रीमेंट्स बिटवीन ट्रेडिंग कंट्रीज टू लिमिट द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज जो दो ट्रेडिंग कंट्रीज है एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड इम्पोर्टिंग कंट्री इन दो कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है दो कंट्रीज इन्वॉल्व है एग्रीमेंट में इसीलिए कहा गया है उसे बायोलेटल एग्रीमेंट एग्रीमेंट क्यों हो रहा है एक्सपोर्ट कम करने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है अब देखते हैं द गवर्नमेंट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री जो कंट्री इम्पोर्ट कर रही है वो कंट्री का गवर्नमेंट कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री वो किसे रिक्वेस्ट कर रहा है जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा है क्या रिक्वेस्ट कर रहा है टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन इट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अपने कुछ कमोडिटीज के एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले क्या कह रहा है देखो फिर से वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को क्या कह रहा है कि वो अपने कुछ कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इन द इम्पोर्टर कंट्री एम क्या है कि इम्पोर्टिंग कंट्री को अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को क्या करना है प्रोटेक्ट करना है मानो कि मैं हूँ इम्पोर्टिंग कंट्री मुझे और आप लोगों एक्सपोर्टिंग कंट्री मैं इम्पोर्टिंग कंट्री हूँ मुझे अपनी कंट्री में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन देना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ गरूँ? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपके कंट्री के जो एक्सपोर्टर हैं ना उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दो इससे क्या होगा आपकी एक्सपोर्ट कम होगी आपकी एक्सपोर्ट है वही मेरी इम्पोर्ट है आपकी एक्सपोर्ट कम होती है तो मेरी इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली कम होगी मेरी इम्पोर्ट कम होती है तो मेरे कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा प्रोटेक्शन मिलेगा तो इसे कहते हैं वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन मतलब आप जो एक्सपोर्ट कंट्रोल करोगे वो वॉलेंटरीली करोगे उसके लिए हमने क्या किया है एग्रीमेंट किया है इससे इम्पैक्ट क्या होगा इट विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स जो गुड्स में इम्पोर्ट कर रहे हैं उनका सप्लाई कम होगा सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती है प्राइस बढ़ेगी तो एक क्या होगा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को पता है कि उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा तो इससे इट इनकरेजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इनकरेजमेंट मिलेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा देन नेक्स्ट देखते थर्ड पॉइंट हियर इज लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी रोल गवर्नमेंट का ही है गवर्नमेंट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू यूज़ सम proportion ऑफ डोमेस्टिक raw मटेरियल्स मतलब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है उनको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस करोगे ना उसके लिए आपको डोमेस्टिक रॉ मटेरियल यूज़ करना है अगर आप इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ करते हो तो कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल आप लोग यूज़ करते हो उसका प्रपोर्शन आपको कम करना है और उसके बदले में आपको कुछ प्रोपोर्शन डोमेस्टिक रॉ मटेरियल का यूज़ करना है इसका इम्पैक्ट क्या होगा इससे जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग रॉ मटेरियल उसकी इम्पोर्ट कम होगी यानी कि इट विल रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज रॉ मटेरियल क्या है रिसोर्से तो फॉरेन रिसोर्सेज यानी कि रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट कम हो जाएगी ये देखो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इट एक्सप्रेस आइदर इन टर्म्स ऑफ़ फ़िजिकल क्वांटिटी हम लोग जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते है, उसके हैं उसके फिजिकल क्वांटिटी में रहेगा मतलब कितने टन हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो फ़िजिकल क्वांटिटी रहेगी या फिर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कि हम लोग जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें उसका वैल्यू कितना होना चाहिए इसके बेस पर ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है मैंडेटरी कर सकती है उसका इंपोर्ट आई होप आपकी तीनों बैरियर्स अच्छे से समझी होगी अब देखते हैं नेक्स्ट बैरियर नेक्स्ट इज प्रिफरेंशियल गवर्नमेंट प्रोकरमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोकरमेंट मतलब क्या कि गवर्नमेंट कुछ कमोडिटीज़ परचेज करके रखती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे कि फूड ग्रेन्स वगैरह परचेज करती है फॉर द फेयर प्राइस शॉप यानी कि रेशनिंग शॉप के लिए वैसे गवर्नमेंट प्रोकरमेंट करती है तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी देखते हैं द गवर्मेंट ऑफ ए कंट्री मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज टू परचेज एंड प्रोकर दे आर रिक्वायरमेंट ओनली फ्राम लोकल प्रोड्यूसर्स गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है एंड जो मिनिस्ट्रीज है उनको जब भी कुछ परचेस करना है और प्रोकर करना है मतलब प्रोकर करके रखना है साइड में कि जब ज़रूरत पड़े तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके ओके okay, तो ये जब भी करना है तो उनको एक गवर्नमेंट ने कंपल्सन क्या किया है कि उन्हें जो भी परचेस करना है जो भी प्रोकर करना है वो सिर्फ एंड सिर्फ लोकल प्रोड्यूसर्स से ही परचेस कर सकते वो इम्पोर्टेड कमोडिटी परचेस नहीं कर सकते ये रूल है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट होगी ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है इम्पोर्ट नहीं करना है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स से ही परचेस करना है देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइन इन सच अ वे दैट दे बिकम अ फॉर्म ऑफ बैरियर टू इम्पोर्ट्स गवर्नमेंट क्या करता है कि कुछ रेगुलेशन प्रोसीजर्स ऐसे बनाता है कि जिससे ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी की इम्पोर्ट कम हो जाए जैसे हमारे यहाँ पे पेटर्न रूल्स है स्पेशली अगर इंडिया के पेटर्न रूल है इंडिया जनरली डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं मेडिसिन से स्पेशली तो मेडिसिन में डेवलप कंट्रीज की कंपनी क्या करती है कि सपोज उन्होंने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया एक्स वाई जेड नाम का एक मेडिसिन उन लोग ने इंट्रोड्यूस किया तो उस उनको इसके ऊपर पेटेंट मिला ये पेटेंट 20 साल का है 20 साल खत्म होने के बाद अकॉर्डिंग टू रूल इस कंपनी को वो जो मेडिसिन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सब कंपनी को ओपन अप करना पड़ता है मतलब बाकी जो कंपनीज हैं उनसे शेयर करना पड़ता है तो डेवलप कंट्रीज क्या करते है बीस साल बाद एक्स वाई जेड में थोड़ा सा चेंज करेगी वो एक्स वाई जेड वन ऐसे न्यू मेडिसिन मार्केट में लाके पेटेंट लेती है तो बाकी कंट्रीज में ऐसे केसेस में पेटेंट मिल जाता है लेकिन इंडिया क्या करती है इंडिया बोलती है आपको एक्स वाई जेड पे पेटेंट मिला है ना एक्स वाई जेड पर आपको पैटर्न नहीं मिलेगा तो ये क्या हो गया इंडिया का एक रेगुलेशन हो गया इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अब इंडिया में जो प्रोड्यूसर से उनको ये जो टेक्नोलॉजी एक्स वाई जेड मेडिसिन की वो पता चल जाएगी तो इंडिया ये मेडिसिन अपनी कंट्री में भी प्रोड्यूस कर सकता है तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कम हो जाएगी तो इसी तरह अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं उसका एक ही काम होता है कि जिससे अल्टीमेटली क्या हो कि कंट्री में इंपोर्ट कम हो जाए इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन आ जाए ये होते हैं लीगल और प्रोसीजरियल रिक्वायरमेंट एक तो लीगल होता है कि लीगली आपको वो सब रूल्स फॉलो करने ही है वो प्रोसीजर आपको फॉलो करनी ही है अगर वो आप फॉलो करते हो तभी क्या होगा कंप्लीट होगा ट्रेड तभी वो इंपोर्ट कर सकते हैं दिज आर लिस्ट ट्रांसपेरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट मतलब ये ट्रांसपेरेंट ही नहीं है सामने वाली कंट्री को एग्जैक्टली exactly पता ही नहीं चलता है क्योंकि उनको ये ट्रांसपेरेंसी नहीं इस रूल में तो इसीलिए ये एलिमिनेट करना भी क्या हो जाता है डिफिकल्ट हो जाता है देन आता है नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिक्ट पेटेंट एंड कॉपीराइट लॉज जैसे पेटेंट होता है कि कोई भी अगर नया रिसर्च करता है तो उस रिसर्च के ऊपर उस पर्टिकुलर पर्सन को या कंपनी को पेटेंट मिलता है अब पेटेंट का उनको फायदा क्या होगा कि अगर किसी को पेटेंट मिला है तो वो पेटेंट यूज करके वो पर्टिकुलर कंपनी उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करके सेल करेगी उसको कोई भी कंपिटिटर नहीं है क्योंकि पेटेंट सिर्फ उसी कंपनी के पास है तो इस वजह से क्या होता है पेटेंट की वजह से देर आर बैरियर्स टू इम्पोर्ट ऑफ सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कि हम लोग वो प्रोडक्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते इम्पोर्ट के ऊपर बैरियर है क्योंकि हमारे जो पेटेंट लॉज है कॉपीराइट लॉज है वो क्या है स्ट्रिक्ट है जैसे हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल देखा पेटेंट लॉ का इंक्रीजिंगली यूज बाई डेवलप कंट्रीज टू प्रीवेंट इम्पोर्ट फ्राम डेवलपिंग कंट्रीज़ ये पेटेंट राइट्स है वो जनरली डेवलप कंट्रीज ज़्यादा यूज़ करती है क्यों वो यूज़ करती है ज़्यादा क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ के पास फिनेंशियल रिसोसेज ज़्यादा है उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है जो यूज़ करके वो रिसर्च कर सकते और पेटेंट ले सकती है उनके पास टेक्नोलॉजी भी है ऑन दी अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा फंडस हैं ना उनके पास टेक्नोलॉजी है तो रिसर्च में डेवलपिंग कंट्रीज मार खा जाती है और ऐसे वक्त इसका फायदा डेवलप कंट्रीज लेती है और वो पेटेंट्स का यूज करके डेवलपिंग नेशन से इम्पोर्ट्स पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई करती है आई होप आपको ये तीनों बैरियर्स भी अच्छे से समझी होगी अब देखते हैं नेक्स्ट बैरियर्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट नॉन टैरिफ बैरियर है एक्सचेंज कंट्रोल एक्सचेंज कंट्रोल यानी कि फॉरेन करेंसी के यूज के ऊपर कंट्रोल जो कंट्रोल रहता है सेंट्रल बैंक का यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करती है कि किसी को भी अगर फॉरेन करेंसी चाहिए तो उसे वो सेंट्रल बैंक से ही लेनी पड़ती है तो पूरा कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक का अब देखते हैं इसमें क्या है द गवर्नमेंट पुट्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द परचेस एंड यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज For imports as well as for investments made by the residents in foreign countries. यहाँ पर मैंने central bank बोला लेकिन कुछ countries में ये government का decision हो सकता है India में देखते तो ये specially central bank का decision था स्पेशली uh, ये जो एक्सचेंज कंट्रोल थे इंडिया में भी थे 1991 के एल पी पॉलिसी के पहले थे तो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू थे कुछ कंट्रीज़ में वो गवर्नमेंट के थ्रू हो सकते तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उस कंट्री के जो भी इम्पोर्टर्स से या फिर इन्वेस्टर से उनको अगर फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है या फिर फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करना है तो दोनों के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए जैसे इम्पोर्ट करना है तो इम्पोर्ट के लिए हम लोग फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे या फिर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंट्री की करेंसी लगेगी तो दोनों जगह पर उन्हें अगर फ़ॉरन करेंसी परचेज करनी है यूज़ करनी है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है बाय द गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन क्या होता है ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि उनको जितनी भी अमाउंट चाहिए फॉरेन करेंसी की वो सेंट्रल बैंक से लेनी है सेंट्रल बैंक को अगर लगता है कि उन्हें इतनी ज्यादा करेंसी नहीं देनी तो सेंट्रल बैंक नहीं देगी फॉर एग्जाम्पल किसी इम्पोर्टर को अगर चाहिए वन लाख डॉलर्स टू इम्पोर्ट सर्टन कमोडिटी कितने डॉलर्स चाहिए उसे वन लाख डॉलर चाहिए इम्पोर्ट के लिए लेकिन सेंट्रल बैंक बोला कि इतने वन लाख डॉलर्स तो हम लोग नहीं देने वाले सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि मना किया हम लोग आपको वन लाख डॉलर्स नहीं देंगे हम लोग आपको सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड डॉलर ही देंगे ये क्या हो गया एक्सचेंज कंट्रोल इम्पोर्टर का जरूरत है वन लाख डॉलर्स की उसे मिल रहे सिक्सटी थाउजेंड डॉलर मतलब वो अभी वन लाख डॉलर की इम्पोर्ट नहीं कर सकता उसे सिर्फ सिक्सटी थाउजेंड डॉलर की ही इम्पोर्ट करनी पड़ेगी सो इस तरह से इसे क्या होता है हमारी इम्पोर्ट कंट्रोल में रहती है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखते हैं रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसी भी कंट्री के पास फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं तो वो हमें क्या करने प्रिजर्व करने संभाल के रखने संभाल के यूज़ करने इसीलिए रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट डालती है इम्पोर्टस आर रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरन करेंसी एट अ हायर रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक एक तो सेंट्रल बैंक क्या करती है उन्हें कम डॉलर्स देते कम फॉरेन करेंसी देती है या फिर उसका जो एक्सचेंज रेट है वो ज़्यादा रखती है एक्सचेंज रेट यानी कि जैसे आज का एक्सचेंज रेट है वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी सिक्स रुपीज के आसपास है राइट right? तो ये जो एक्सचेंज रेट है वो सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा हाई रखती है जिससे इम्पोर्टर क्या करेगा कम फॉरेन करेंसी वो परचेज कर पाएगा और वो कम फॉरेन करेंसी लेके कम इम्पोर्ट करेगा अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट नॉन टैरिफ बैरियर प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड ये जो प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो जनरली डेवलप कंट्रीज लगाती हैं फॉर द इम्पोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप कंट्री उनके पास टेक्नोलॉजी उनके हाइजीन के स्टैंडर्ड होते हैं बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और स्पेशली वो इम्प्लीमेंट करते फॉर डेवलपिंग नेशन एंड फॉर अन डेवलप नेशन क्योंकि उनको पता है डेवलपिंग नेशन के थ्रू उनकी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट जा सकती है तो उन्हें इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट करनी है इसीलिए स्टैंडर्ड वो इम्प्लीमेंट करते हैं दिज आर रिक्वायरमेंट दैट इम्पोर्टेड गुड्स मीट अ कंट्रीज प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड जो भी इम्पोर्टेड गुड्स है वो इम्पोर्ट करने से पहले यह कंट्री चेक करेगी कि उनके जो प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड है वो इम्पोर्टेड कमोडिटी फुलफिल कर पाती है या नहीं कर पाती है अगर ये फुलफिल कर पाएगी तभी वो इम्पोर्ट हो पाएगी प्रोडक्ट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफन फेल्ड टू मीट वेरी हाई प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग स्टैंडर्ड सेट बाई डेवलप कंट्रीज अभी डेवलप कंट्रीज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होते हैं और उतनी हायर लेवल मीट करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं उतना ज़्यादा पैसा नहीं है रिसर्च के लिए तो इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स ये जो स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं कर पाते और जिसका इम्पैक्ट होता है उनकी डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपोर्ट कम होती है डेवलप कंट्रीज़ की इम्पोर्ट कम होती है देन एग्जाम्पल है प्रोडक्ट्स नॉट कम्प्लाइंग रॉ मटेरियल सॉरी रॉ मटेरियल नॉर्म्स नहीं यहाँ पर एन्वायरमेंटल नॉर्म्स है जो प्रोडक्ट्स है कि प्रोडक्ट की वजह से प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की वजह से कि वो प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है वो रॉ मटेरियल की वजह से बहुत ज़्यादा एन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है तो ऐसे केस में डेवलप कंट्री क्या बोलते हैं कि अरे आपके प्रोडक्ट तो एन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करते तो ऐसे प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए वो इम्पुट के लिए मना करते या फिर बहुत बार डेवलपिंग कंट्रीज में चाइल्ड लेबर का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में तो अगर चाइल्ड लेबर का भी यूज़ हो रहा है तो डेवलप कंट्रीज़ बोलती है ऐसा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए क्योंकि चाइल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं आप या फिर बहुत बार स्वीट शॉप्स में प्रोडक्शन किया जाता है स्वीट शॉप मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो शॉप्स होते हैं वो वर्कर्स राइट right को वायलेट करते हैं एक तो वर्कर्स को बहुत कम सैलरी देते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है वर्किंग कंडीशन बहुत ही अनहाइजेनिक होती है बहुत ही खराब होती है ऐसे सिचुएशन में वर्कर्स काम करते हैं तो उनका कहना है कि वर्कर्स के राइट वायलेट करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं और इसीलिए ऐसे कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो ये हो गए प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के कुछ एग्जाम्पल्स एंड यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ये कंप्लीट हो जाता है आई होप आपको टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अच्छे तरह से समझे होंगे अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज राइट इन टू द कमेंट सेक्शन अगर आपने को तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगे ऑल्सो अस ऑन द इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक थैंक यू एंड टेक केयर यहाँ पे एक सिचुएशन देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग कण यार <slop> <slop>